नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू ओझा पेश करती हूँ रात 11 बजे तक की प्रमुख खबरें। सबसे पहले खबरें राज्यों से जुड़ी। राज्य भर में जितनी भी नगर पालिका निगम और पंचायत है उनकी आर्थिक स्थितियों पर नजर रखेंगे अभी रूप सरकार। चौथे स्टेट फाइनेंस कमीशन के बाद अब राज्य सरकार ने पंचम स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया है जिसका नेतृत्व अभी रूप सरकार को ही करना है। इसके अलावा इस कमीशन में चार और सदस्य, उनमें तीन सदस्य राज्य के पूर्व अधिकारी बर्णाली विश्वास, आशीष कुमार चक्रवर्ती और स्वपन कुमार पाल हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट से जाने वाले यात्रियों का हंगामा, उड़ान में देरी से संचालित होने से गुस्साए यात्री। छब्बीस जून को सिलीगुड़ी, माकमा और राज्य के छह वार्डों में उपचुनाव। राज्य के गृह सचिव बीपी गोपालिका के साथ राज्य चुनाव आयुक्त सौरभ दास के बीच बैठक हुई। सिलीगुड़ी महकमा परिषद की 9 सीट पर उपचुनाव कराया जा सकता है। इसके अलावा राज्य के 6 वार्डों में भी उपचुनाव कराए जाएंगे। दिलीप घोष की जिम्मेदारी अब बंगाल की नहीं, संभालेंगे 8 राज्यों की जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल की राजनीति से दिलीप घोष की दूरियां अब बढ़ा दी गई है। हालांकि दिलीप घोष को मिली है जिम्मेदारी उनका राजनीतिक विकास है या फिर बंगाल की राजनीति से उनकी विदाई, इसे लेकर चर्चा जोरों पर है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई कार्यालय से बाहर निकले उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी। ये है खबरें जिलों से जुड़ी। पुलिस के डर से युवक की जान चली गई, अब पुलिस पर परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया है। घोला थाने की पुलिस ने मंगलवार की रात आगरपाड़ा के उसमपुर में जुए के अड्डे पर खबर पार्क कर अभियान चलाया था। इस दौरान जुआ खेल रहे युवक को पुलिस ने खदेड़ा जिससे डर कर युवक तालाब में कूद पड़ा। मृतक का नाम विशाल दास बताया जा रहा है। रात्रि को बाड़ी से आशीनी और फोन रात बेला थे लगातार स्विच ऑफ। এবার বাড়ির লোকেরা সবাই টেনশন করছে, কালকে তো খোঁজাখুঁজি হলো, তারপরে শোনা গেল যে বটতলার ওই ঘোলার মাঠের যে পাশে যে পুকুরটা, সেই পুকুরটায় নাকি ওখানেও ঝাঁপ মেরেছে। তো একটাই প্রশ্ন, পুলিশ যখন ওকে ধাওয়া মেরেছে, ও যখন লাফ মেরে, তাহলে পুলিশ কেন ওকে তখন ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে ওকে তুললো না ওখান থেকে? ঘোলা থানার পুলিশ অবশ্যই ওখানে যাবে কারণ ওটা ঘোলা থানার আন্ডারেই পড়ে, তো কেন ওখান থেকে ওকে তুললো না? श्यामनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के करीब रेलवे के जमीन पर बनी शिव मंदिर को हटाने की नोटिस के बाद उसे तोड़ने की कार्रवाई का बुधवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां बिना मंदिर के पुनर्स्थापन के उसे तोड़े जाने की कार्रवाई में हॉकर और तृणमूल समर्थक यूनियन कर्मियों ने बाधा दी। लोगों के विरोध को देखते हुए आखिरकार रेलवे पुलिस को फिलहाल पीछे हटना पड़ा। एक दीर्घ 70 बचर पुरान एक शिव मंदिर, जे शिव मंदिर तारा उच्छेद करते चाय। आमार काछे खबर आसार पर हॉकर्स भाईरा जखन जाए नेतृत्व बसे सिद्धांत नी এর বিরুদ্ধে রেল হকার্সরা সারা ব্যারাকপুর ডিভিশন, শিয়ালদা ডিভিশনের টোটাল হকার ভাইরা রাস্তায় নেমেছে। আজকে সকলেই ছিল, আমরা গিয়েও ছিলাম তাদের কাছে। আমাদের কাছে রেল প্রশাসনের কাছে একটাই প্রশ্ন, যে রাজ্যের সামনে নির্বাচন সেই রাজ্যের বিজেপি গভর্নমেন্ট তারা মসজিদে শিবলিঙ্গ খুঁজছে। আপনারা দেখে থাকবেন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রতিটা মসজিদে খুঁড়ে খুঁড়ে খোঁজা হচ্ছে, ওখানে নাকি শিবলিঙ্গ আছে। আর এখানে 60-70 বছর ধরে একটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, সেই মন্দিরের উচ্ছেদের যৌক্তিকতা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। দেশ ও দুনিয়া কি খবরে? यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा, लगाया गया 10 लाख रुपए का जुर्माना। मनोरंजन से जुड़ी कुछ खबरें। फिल्मकार प्रकाश झा की नई फिल्म राजनीति पर आधारित होगी। प्रकाश झा इन दिनों वेब सीरीज आश्रम सीजन 2 को लेकर चर्चा में है। झा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया जो एक सुपरहिट फिल्म का सिक्वल होगी। कल के मौसम का हाल। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इसी तरह विशेष खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।